वैलेंटाइन्स डे आने वाला है और जब ये दिन नजदीक आता है तो गुलाब के फूलों की बिक्री बढ़ जाती है। प्यार के एहसास और इसकी गर्माहट सभी को अपने में समेट लेती है गुलाब की लाली। तभी तो जैसे जैसे वैलेंटाइन्स डे नजदीक आता है गुलाब की मांग आसमान छूने लगती है। वैलेंटाइन डे चूंकि एक फ्लोरिस्ट के लिए हमारे लिए वही दिवाली है, हमारे लिए वही दिन है, तो करीब आप 1000% हमारी जो है सेल इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम अ नॉर्मल डे। वैलेंटाइन डे में गुलाब का महत्व है। गुलाब, लाल गुलाब जिससे आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो उसकी सबसे ज्यादा बिक्री होती है और लोग कई तरह में उसको देना पसंद करते हैं, चाहे वो 12 गुलाब का बंच हो, चाहे वो 20 गुलाब का बंच हो, 50 गुलाब का, 100 गुलाब का, कई लोग 500 गुलाब के बंच भी भिजवाते हैं। गुलाब साथ में आप जो है ना केवल वैलेंटाइन डे वाले दिन पहुंचाना चाहते हैं बल्कि वैलेंटाइन की मिडनाइट, एक रात पहले 13 फरवरी की रात को 12 बजे भी लोग जो है मिडनाइट फ्लावर्स की काफी डिलीवरी का काफी प्रचलन है। साल भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वैलेंटाइन्स डे के इंतजार में गुलाब बेचने वालों की बांछें खिल रही हैं। और खिले भी क्यों ना, विदेश से बड़े बड़े ऑर्डर्स जो मिल रहे हैं। भारत मुख्यतः यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को गुलाब निर्यात करता है। गुलाब की रेंज होती है उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करती है। नॉर्मल गुलाब फॉर एग्जांपल बाजार में 10 से 12 रुपए के बीच में जो बिकता है वो उस दिन 25 से 30 रुपए के बीच में बिकता है। गुलाब की लेंथ, बट साइज, इन सब चीजों पे उसकी रेट डिपेंड करती है। वहीं घरेलू बाजार भी कुछ कम नहीं है। आमतौर पर 10 फरवरी से 13 फरवरी के बीच भारत में 10 लाख गुलाब के फूलों की जरूरत होती है। वैलेंटाइन वाले दिन मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया अगर हम सिर्फ कट फ्लावर्स वैलेंटाइन विशेष की सेल्स की बात करें तो मेरे हिसाब से कम ये इस दिन करीब करीब 70 से 80 करोड़ रुपए का मार्केट है जो एक दिन में सेल बुकिंग होती है ऑल ओवर इंडिया। जहां तक दाम का सवाल है वो गुलाब की लंबाई पर निर्भर करता है। 70 सेंटीमीटर वाला गुलाब करीब 25 रुपए और 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर लंबे गुलाब की कीमत 40 रुपए तक होती है।